जैन बच्चों, मां अकेडमी लखनऊ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज आप लोग क्लास टू में यूपी पुलिस स्पेशल के लिए क्या पढ़ेंगे, री एग्जाम के लिए। जैसा कि आपने देखा होगा, री एग्जाम शेड्यूल आ चुका है, करीब 5 महीने बचे हुए हैं आपके, 5-6 महीने बाद एग्जाम होगा। तो उसके लिए रेगुलर बेसिस पे आप मैथ की क्लासेस, रीजनिंग क्लास रात में 10 बजे आप देख सकते हैं। तो 10 बजे क्लासेस आपकी री एग्जाम के लिए पढ़ाई जा रही है मैथमेटिक्स। जैसा कि लेक्चर 1 हो चुका है जिसमें आपने बेसिक चीजें थोड़ी पढ़ी होंगी, तो इसमें आज लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का भाग नेक्स्ट। ठीक है, तो जैसा कि आपने इकाई मतलब यूनिट डिजिट पर आधारित हमने देखा, अंक पर आधारित, डिजिट पर आधारित देखा, तो डिजिट पर आधारित क्वेश्चन आज 2 नंबर पे पार्ट में देखेंगे। आगे हम क्लास करते हैं क्या क्या चीजें रहेगी, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं। आप रेगुलर बेसिस पे देखते हैं तो उससे बाहर कुछ मैथ नहीं आएगी। ठीक है, तो ब्लड प्रैक्टिस भी कराएंगे प्लस थ्योरी क्लास भी रहेगी। तो आप रेगुलर बेसिस पे इस पर कैसा क्लासेस लगती है बात भी आप कमेंट कर देना एक बार। ठीक है, तो बढ़ते हैं, आते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अंक के आधार पर, बात कर रहे थे अंक, है ना। तो अंक डिजिट पर, तो सबसे पहले आप डिजिट पर आधारित जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो क्या होंगे, तो अंक पर आधारित। जैसा कि पूछा जाता है 1 से 100 तक कुल कितने अंक होते हैं, कुल कितने अंक, तो ये बातें तो आपने इसके पहले वाली क्लास में पढ़ी। तो 1 से 100 तक कितना होता है, 1 से 99 तक अंक की बात करूं तो ये होता है 1 अंकों की 9, 2 अंकों की 180, 189 अंक होते हैं, 189। लेकिन इसमें होता है 1 से 100 तक 9 तो 1 अंक में होता है, 2 अंक में 180 हो जाए, 3 अंक में 3 बढ़ जाएगा। ठीक है, 1 से 9 तक 9 अंक, 10 से लेके 90 तक 180 और 100 वाले में 3 अंक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 192 अंक हो जाएगा टोटल। तो इतनी बातें तो आपको पता है, लेकिन हम जो अब कराने जा रहे हैं उसके बारे में बात करें, हमको ये बताना है 1 से 100 तक शून्य कुल कितनी बार आएगा, शून्य कुल कितनी बार आएगा, शून्य नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगे इकाई और दहाई के स्थान पर, शून्य कितनी बार आएगा। तो आपको बता दूं, शून्य जो होता है 1 से 100 तक संख्याओं में 11 टाइम्स आता है, लेकिन कैसे आता है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखो, 10 में शून्य आएगा, फिर 20 में आएगा, फिर 30 में आएगा, फिर 40 में आएगा, 50 में आएगा बेटा, 60 में आएगा, 70 में आएगा, 80 में आएगा, 90 में आएगा, 100 में आएगा, कितना, 100 में। क्लियर हो गया, तो आप इकाई के स्थान पर आप देखोगे, पूरा काउंट करोगे तो ये मिला के 10 बार हो गया शून्य इकाई के स्थान पर। ठीक है, और दहाई के स्थान पर 100 वाले में इकाई तो यहां काउंट कर चुके हैं और दहाई यहां काउंट करेंगे, 1 बार दहाई। कुल मिला के आप बताओगे 11 टाइम शून्य का प्रयोग होता है, रट लेना, देख लेना, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नेक्स्ट भी एग्जाम में पूछने की संभावना है। तो शून्य कुल कितनी बार आएगा 1 से 100 तक, 11 टाइम्स आता है, 10 बार इकाई पर, 10 बार इकाई पर 1 बार दहाई पे आएगा। कुल मिला के क्या आएगा, यहाँ पे लिख लो इकाई और दहाई। क्लियर हो गया, नेक्स्ट अगला बात करते हैं। अब अगले नेक्स्ट की बात करें कि 1 से 100 तक संख्याओं को लिखने में 1 कुल कितनी बार आएगा, पहले तो ये देखो 1 से 100 तक, तो आपको बता दू 1 से 100 तक कुल मिला के 21 बार आता है, 11 टाइम्स, कितना बार, 21 टाइम्स आएगा, 11 नहीं। तो यहाँ पे 10 बार इकाई पर आता है, 10 बार दहाई पर आता है, 1 बार सैकड़ा पर आता है। क्लियर हो गया, इतनी बार आएगा, कैसे आएगा वो देखना है आपको। सबसे पहले 1 की बात करो, 1 सबसे पहले 1 में आएगा, फिर 11 में, फिर 21 में, फिर 31 में, फिर 41 में, फिर 51 में, 61 में, 71 में, 81 में और 91 में। आप जरा चेक करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुल मिला के इकाई के स्थान पर बात करूं, इकाई के स्थान पर बात करूं तो 10 बार आएगा, 10 टाइम्स। तो मैंने यहां पर भी बता दिया कि इकाई के स्थान पर कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा। क्लियर हो गया, फिर दहाई के स्थान की बात करूं, दहाई कहां आएगा, सेकंड वाले प्लेस में, 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19। क्लियर हो गया, फिर 10 बार दहाई पर आता है, 10 बार दहाई पे आएगा, 10 बार इकाई पर, 10 बार दहाई पे, चेक कर ला, 10 से लेके 11 से लेके 9 तक 9 बार हो जाएगा, 19 तक, और 1 बार इस वाले 10 वाले। और 100 वाले में बात करूं तो 1 का प्रयोग यहां पे 1 बार आएगा, तो 1 बार सैकड़ा के स्थान पर। क्लियर हो गया क्या नहीं, तो कुल मिला के कितनी टाइम्स हो जाएगा, 21 टाइम्स, 21 बार आता है 1 से 100 तक संख्याओं को लिखने में। आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं कि यहां पे बाकी सारे अंक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 प्रत्येक अंक इब्री डिजिट, प्रत्येक अंक जो होता है, प्रत्येक अंक जो होता है बेटा, प्रत्येक अंक इब्री डिजिट
एक से सौ तक संख्याओं को लिखने में, वन टू हंड्रेड एक से सौ तक संख्याओं को लिखने में कितनी कितनी बार यूज होता है, पूरा चाहे सीधा सीधा समझ लो। प्रत्येक अंक आपको बता दूं 20-20 बार, 20-20 टाइम्स यूज होता है, 20 बार आता है, 20 बार में क्या होता है, 10 बार इकाई पर, 10 बार दहाई पर, 10 बार इकाई पर और 10 बार दहाई पर आता है, 10 बार दहाई पर आता है, ठीक है, इकाई के स्थान पर आएगा और 10 बार दहाई के स्थान पर आएगा, ठीक है। तो इस बात को एकदम कंठस्थ कर लेना, कहिए तो मैं कोई भी निकलवा दूं, जैसे 9 की बात करो तो 9 भी निकलवा दें, या 11 जो भी आपको बात करो, ठीक है, उसमें 1, 2, 3 से लेकर जो कहेंगे वो निकलवा देंगे। सबसे पहले 9 की बात करूं, 9 कब आएगा, सबसे पहले 9 सिंगल नंबर में आएगा, फिर 19 में आएगा, फिर 29 में आएगा, 39 में आएगा, 49 में आएगा, 59 है ना, 69 79 89, फिर 99। तो आप देखोगे पूरा बेटा यहां से 9 से लेके ये रहा, तो ये आएगा 10 बार, क्लियर हो गया। फिर 9 के हिसाब से अगले में 90 वाले 90, 91, 92, ऐसे ऐसे करोगे तो ये 99 तक, इकाई तो इधर काउंट कर चुका, मुझे दहाई काउंट करना है, तो दहाई में आप देखोगे तो टेंस के स्थान पर 10 बार आता है, इकाई और दहाई मिला के कुल मिला के कितनी बार, 20 बार हो गया। तो याद रखना 20-20 बार आता है कोई भी अंक, एक को छोड़ करके 2 से लेके 9 तक, एनी वन कोई भी नंबर 2 कितनी बार आएगा, 20-20 बार आएगा। लेकिन मैं दूसरी जो कहानी बताने जा रहा हूं आपको, ये बताना दो अंक की संख्या में, दो अंक की संख्या को लिखने में, दो अंक की संख्या में सब प्रत्येक अंक कितनी कितनी बार आता है ये लिखना है। दो अंक की संख्या का मतलब हो गया बेटा 10 से 99 तक प्रत्येक अंक कितनी बार आता है, 10 से 99 तक प्रत्येक अंक कितनी बार आता है, तो आपको बताना होगा प्रत्येक अंक कितनी बार आता है, बोलो। तो प्रत्येक अंक की बात करें तो एनीवन कोई भी नंबर की बात करें तो आप बताओ, दो अंक की संख्या 10 से शुरू होती है, तो कुल मिला के प्रत्येक अंक का मतलब 0 को छोड़ दिया जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये जितने भी अंक हैं 1 से लेकर 9 तक, हर एक अंक 19-19 बार आता है। इकाई के स्थान पर बात करूं तो इकाई के स्थान पर 9 बार आएगा और दहाई के स्थान पर 10 बार आएगा, 10 बार, क्लियर हो गया। ये इकाई के स्थान पर आ गया और ये दहाई के स्थान पर आ गया, इकाई और दहाई 9 बार इकाई पर, 10 बार दहाई पर आएगा, कुल मिला के 19 बार प्रयोग होगा कोई भी अंक, एनी वन। अच्छा, इकाई पर एक बार कम क्यों, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक एक अंक जो होता है वो हट गया है, ठीक है, और इसमें 21 बार होता था, वन कितनी बार आता था, 1 से 100 तक 21 बार, एक बार वन वाला हटा सिंगल वाला, एक बार 100 वाले में हटा, इसलिए 2 बार इसमें कम, इसलिए 19 बार ये भी हो गया। आशा है क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं, कोई भी संख्या की बात करूं, एनी वन, जब 3 अंकों की संख्या की बात करता हूं, 3 डिजिट नंबर में बात करूं, तो 3 अंक की संख्या को लिखने में, 3 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या को लिखा जाए कहां से, 100 से लेकर, 100 से 999 तक, 999 तक, ये 3 डिजिट नंबर होती है। ये 3 अंकों की संख्याओं को लिखने में आपको बता दूं कितनी कितनी बार कोई अंक प्रयोग होगा वो वाला देखो। प्रत्येक अंक आपको बता दूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 से लेके कोई भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्रत्येक अंक, हिंदी भाषा में बच्चा लिख लो, प्रत्येक अंक एवरी डिजिट जो होता है, प्रत्येक अंक आपको बता दूं 90 बार इकाई पर, 90 बार दहाई पर और 100 बार सैकड़ा पर प्रयोग होता है, अर्थात आपको बता दूं, ठीक है, 90 बार इकाई पर, 90 बार दहाई पर, 100 बार सैकड़ा पर, 280 बार प्रयोग होता है। नोट कर लेना, हर एक एग्जाम में पूछा गया, आपके एग्जाम में आने वाले पेपर में शायद पूछने की संभावनाएं बनेंगी, 280 बार प्रयोग होता है, कितनी बार, 280 बार, ये इकाई पर और ये दहाई पर, ये सैकड़ा पर, और कैसे और क्यों वाला मैं बता देता हूं, जरा देखो, ठीक है, जब कभी ऐसा प्रश्न आए कोई भी अंक एनी वन, ठीक है, इस बात को एकदम कंठस्थ कर लेना, क्यों बार बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए आपको याद रखना है इस बात को, ठीक है। अब आते हैं हम बात करते, कोई भी नंबर पूछे कि 3 अंकों की संख्याओं में, सर 3 अंकों की संख्याओं में ऐसे पूछा जाएगा, 3 अंक की संख्या में 5
दहाई पर कितनी बार आएगा, इकाई पहले इकाई पर कितनी बार आएगा, है ना, यूनिट डिजिट पर, इकाई पर कितनी बार आएगा, इकाई पर कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा। चलो अब बताते कि कुल कितनी बार आएगा, तो आपको कुछ ढूंढना नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं करना है। नौ कहां आता है, पी पांच की बात कर रहा है, तो सबसे पहले पांच 105 में आएगा, फिर आप देखोगे 105 के बाद 115 में आएगा, कहां आएगा 115 में आएगा, 125 में आएगा, 135 में आएगा, 145 में आएगा, 155 में आएगा, 165 में आएगा, 175 में आएगा, 185 में आएगा, 195 में आएगा। आप पांच पांच की बात करो, पांच पांच की बात करो, तो हर बार इकाई के स्थान पर यहां पे देखोगे पूरा, देखो इकाई के स्थान पे बात करूं तो 10 बार आता है, कितनी बार बेटा 10 बार आता है, कितनी बार आया 10 बार आएगा, 10 टाइम्स, क्लियर। ऐसे 105 के अलावा आप बात करूं तो 105 के अलावा आपको बता दूं, इतनी बात तो समझ आई गई होगी आपको। उसके अलावा 205 वॉल्यूम भी 10 बार ही आएगा, 305 वॉल्यूम भी 10 बार आएगा, 405 वॉल्यूम भी बेटा 10 बार आएगा ना, ऐसे 405, 415, 425 ऐसे 505 वाले में भी 10 बार आएगा, 605 वाले में भी कितनी बार आएगा 10 बार आएगा, 705 वाले में भी 10 बार आएगा, और 805 वाले में भी आपको तो 10 बार आएगा, 905 वाले में भी 10 बार आएगा। तो 10 बार यहां 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, याद रखना आज के बाद कुल मिला के 90 कितनी कितनी बार आएगा, 90 बार आएगा कहां पे, इकाई के स्थान पर, है ना, क्योंकि 9 बार आएगा दस, तो कुल मिला के 90 टाइम्स आएगा, तो इकाई के स्थान पर इसलिए 90 आता। मैं आपको बता दूं कि इकाई के स्थान के अलावा दहाई के स्थान पर भी 90 बार आएगा, कैसे करना है वो आपको दिखा दे रहा हूं, या कोई दूसरे अंक की बात कर लूं कि 9 कहां आएगा, है ना, या 5 आएगा, जो भी। अब मैं कहूं 100 से, ऐसे पूछ रहा हूं, 100 से लेकर 999 तक 5 की जगह कोई दूसरा नंबर ले लेता हूं, जो 5 तो पूछ ही चुका हूं, 5 अच्छा 5 ले चुका हूं, तो आप लिख लो 8, 8 दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा, दहाई पर कितनी बार आएगा, दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा। तो आप बोलोगे सर दहाई के स्थान पर 8 कहां आएगा, 180 में आएगा, 181 में आएगा, 182 में आएगा, ऐसे 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 यहां चल रहा 189 तक पहुंचेंगे। और आपको बताऊं पूरा काउंट इसको जोड़ोगे ना, देखना बेटा दहाई के स्थान पर 10 बार हो जाएगा, कितनी बार बेटा होगा 10 बार हो जाएगा। वैसे 100 में के जगह पे 280 वाले में भी ऐसे 10 बार आएगा, और 380 वाले में भी 10 बार आएगा, 480 वाले में भी 10 बार आएगा, और बता दूं फिर 580 वाले में भी ऐसे 580 वाले में भी 10 बार ही आएगा, क्लियर हो गया ना। और वैसे ही सेम 680 वाले में भी 10 बार आएगा, 689 तक, 780 वाले में भी 10 बार आएगा, 880 वाले में भी 10 बार आएगा, 980 वाले में भी 10 बार आएगा, डन। आपको बताओ 10 गिन लो, एक बार 10, दो बार 10, तीन बार, चार बार 10, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार, नौ बार, 10 नौ बार आएगा। कुल मिला के आपको बता दूं 90 बार दहाई के स्थान पर भी कोई भी अंक प्रयोग होता है, दहाई के स्थान पर भी कोई भी अंक प्रयोग होता है, टेंस इसके स्थान पर, वंस टेंस पे 90 90, क्लियर हो गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला कैसे करना है। यदि कोई पूछे कि 100 से 999 तक अर्थात तीन अंक की संख्या में पूछा जाए भाई 9 सैकड़ा के स्थान पर कितनी बार आएगा, सैकड़ा के स्थान पर कितनी बार आएगा, तो आप बताओ कितनी बार आएगा, आप खुद बता सकते हो कितनी बार आएगा, क्योंकि आपको रटा होगा कि 100 बार आता है, 90 बार इकाई पे, 90 बार दहाई पे, 100 बार सैकड़ा, कोई भी अंक आता है, एनीवन। तो आप बताओ कैसे निकलेगा सर, तो आंख में दिमाग लगाओ कि शुरुआत में 9 कहां आता है, आप बोलोगे 900 में आता है सर। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो बोले भाई 901 वाले में भी आएगा, 902 वाले में आएगा, ऐसे ऐसे 901 902 ऐसे चलते रहोगे 999 एक बार आएगा, बोलो क्लियर है ना लास्ट में। तो 901 से लेके 999 तक आप देखो कितनी बार संख्याएं लिखोगे, 99 बार लिखोगे, और हर बार शुरुआत में 1 1 लिखोगे, हर बार शुरुआत में 1 1 लिखोगे, तो 99 बार लिखोगे, 99 बार 1 शुरुआत में लिखोगे, बोलो क्लियर है ना, और स्टार्टिंग ये वाला भी लिखोगे एक बार और हो गया, तो कुल मिला के इसलिए 100 बार लिखा जाता है।
कोई भी अंक तीन अंक की संख्या में 100 बार सैकड़ा के स्थान पर आता है। कितनी बार बेटा? सैकड़ा के स्थान पे कोई भी अंक कितनी बार आता है? 100 बार आता है। आशा है कि बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस नेक्स्ट में बात करूं तो कैसे लगाओगे, मैं उसकी बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो चलता हूं, देखता हूं कैसे लगना है यहां पे अगला प्रश्न। ठीक है, कैसे लगाना है अब आपको बताऊंगा कि यहां पे 100 से लेके अब पूछूं। एक चीज और समझो यहां पे, एक मिनट पहले सुनो, एक से लेके 100 तक नहीं, 1000 तक, 1000 तक वन कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा अब आप बताओ कितनी बार आएगा। एकदम सरल सी भाषा है, तो आपको बताना है सर एक से लेके 9 तक कितनी बार आता है, फिर 10 से लेके 99 तक कितनी बार आता है, फिर 100 से लेके 999 तक कितनी बार आता है, फिर 1000 वाले तो वन देख ही लेंगे। वैसे तो राउंड करने में दिक्कत है, 9 बार तो यहां आ जाएगा, दो अंकों में आपको पता ही है कितनी बार आता है। बोलो एनीवन, आप बताओ भाई, 20-20 बार आता है, एकदम क्लियर। और बताओ भाई, है ना, 20-20 बार यहां पे आ जाएगा, नहीं एक बार तो, एक मिनट ये क्या कर दिया, दोनों मिला के 20 बार आएगा ना, यहां पे एक बार इसमें एक आएगा, और इसमें कितनी बार, 19 बार आएगा, और 280 बार इसमें हो जाएगा, 280 बार यहां हो गया। एक एक से 9 तक एक बार आएगा, दो अंकों में 19 बार आता है इकाइयों दहाई मिला के, 280 बार, और 1000 वाले में वन कितनी बार आएगा, वन बार। तो आप जब इसको बेटा जोड़ोगे तो आप आका आएगा 301 बार, कितनी बार, 300। बाकी सारे अंक कोई भी एक के अलावा, देखो एक के अलावा, एक के अलावा बाकी सारे अंक जितने हुए होते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, है ना, 7 हो गया, और आपको बता दूं 8 हो गया, 9 हो गया, आपको बताओ जितनी भी प्रत्येक अंक लिख लो, दिमाग में लिख लो प्रत्येक अंक, है ना, प्रत्येक अंक एक से 1000 तक कितनी बार आता है भाई, 300 बार आएगा, 300 टाइम, 300 बार आता है प्रत्येक अंक, 300 बार आता है, एकदम छाप के जाना दिमाग में। और ऐसे क्वेश्चन के लिए देखना, ऐसे जबरदस्त क्वेश्चंस हैं, समझ रहे हैं बात को? तो आप बताओ क्लियर हुआ या नहीं, एनीवन समझ गए बात को? एक लास्ट और अंतिम प्रश्न मैं इसका दिखाता हूं, देखो कैसे लगेगा। आपको समझना होगा भाई कि 100 से लेकर, 100 से मैं पूछूं कि 250 तक, 250 तक है ना, 5 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे बना पाओगे? क्लियर, 5 कितनी बार आएगा 250 तक, बोलो क्लियर है ना। जब ऐसा प्रश्न आए कि 100 है ना, 100 से 250 तक 5 कितनी बार, तो दिमाग पे लगाओ 5 कहां इकाई के स्थान, पहले तो निकालोगे इकाई, फिर निकालोगे दहाई, फिर निकालोगे बेटा सैकड़ा, क्या निकालोगे, सैकड़ा, क्लियर है ना। तो इकाई दहाई और सैकड़ा, इकाई और दहाई सैकड़े में कैसे निकालोगे वो देखना है। देखो सबसे पहली बात मैं करता हूं इकाई दहाई सैकड़े निकालने के लिए, वो देखो तो इकाई दहाई सैकड़ा, सबसे पहले सोचो 100 से शुरू करो, सबसे पहले 5 कहां आएगा, तो 105 में आएगा, है ना, फिर 115 में 5 आएगा, 125 में 5 आएगा, ऐसे ऐसे सोचोगे 195 तक, कुल मिला के 10 बार तो यहां हो जाएगा, 10 टाइम्स। फिर 205 वाले में 5 कहां कहां आ गया, 205 वाले में सबसे 205, 215, 225 है ना, और 225 के बाद आ जाएगा बेटा 235, 245, बस कुल मिला के आप देखो 5 बार क्यों आता है, तो 5 बार ही आएगा, तो यही तो इकाई के स्थान पर आ गया दोनों, कुल मिला के 15 बार इकाई के स्थान पर आया, 15 बार इकाई पर, ये तो सोचना ही पड़ेगा। फिर दहाई पे चलते हैं, दो दहाई पे कहां चलते हैं वो देखो, पहले बात 150 वाले में देखते हैं, 150 और 151, 152, 153, 153, 154 ऐसे चलेंगे, ऐसे 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 159 तक चलेंगे। अब आप जब दहाई वाला काउंट करोगे ना, तो आपको बताऊं दहाई के स्थान पर जब आप काउंट करोगे तो ये आ जाएगा टोटल मिला के 10 बार आएगा, चेक कर लो एक बार लिख करके, ठीक है 10 टाइम्स आ जाएगा। फिर इसके बाद 250 वाले में तो है ही नहीं, सिर्फ 250 ही है, उसके अलावा कहीं 10 आएगा नहीं बीचों बीच में, तो एक बार ये हो जाएगा, एक बार ये हो जाएगा क्योंकि आगे है नहीं, तो कुल मिला के आ गया 11 बार दहाई के स्थान पर। और सैकड़े में शुरुआत तो 5 कहीं से है ही नहीं,
तो इसके मतलब हो गया 15 और 11 मिला के हो गया 15 बार ये और एक 11 बार दहाई के स्थान पर, कुल मिला के आपको तो 26 बार आएगा। कितने बार बेटा? 26 बार पांच का प्रयोग होगा। जब ऐसा कभी आए पहले इकाई देख लो कहां पे आंखें बंद करे, दहाई देख लो, सैकड़ा है ही नहीं इसमें। 500 तक होता है स्टार्टिंग, 500 होता है तो हो सकता सैकड़ा आता है ना। वन पूछा होता तो हो सकता वन से वन स्टार्ट हो रहा है, लेकिन पांच शुरुआत, पांच की शुरुआत 100 से 250 के बीच में नहीं है। तो आशा है कि बात क्लियर हो गई होगी। ये क्लियर कुछ भी हुई, कोई डाउट है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता दीजिएगा बातें क्लियर हुई या नहीं हुई। ठीक है, समझ आया कि नहीं है और क्या सुधार किया जाए ये बताना एक बार। ठीक है, तो ये सारे अंक वाले प्रश्न क्लियर हो गए आपको, अंक पर आधारित। इसके पहले भी मैंने अंक पर आधारित प्रश्न करवाए थे, आपको समझ में शायद आया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। तो ऐसे बहुत सारे, अब इसके बाद देखो क्या चीजें और पढ़नी है आपको, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीजें। अभी तो अंक कंप्लीट हुआ एक क्लास में, अभी इसके बाद मैं कराऊंगा संख्याओं के प्रकार में। ठीक है, संख्याओं के प्रकार बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, करीब 1 से 1.5 घंटा का टॉपिक है, तो कल वो कराएंगे। उसके पहले क्या करना है वो देखो, जब कभी पूछा जाए भाई, यहाँ पे पूछा जाता है कि 1 से 100 तक है ना, या ऐसे समझो 200 से या 2000 से 8000 तक चार अंक की कितनी संख्या है, चार अंक की कितनी संख्या है, चार अंक की कितनी संख्या, अभी विभाज्यता नहीं पूछ रहा, कितनी संख्या है बस इतनी पूछो। अब आप जल्दी से 6000 लगा के आओगे, अरे 6000 है ना, ऐसे मार के आओगे और 6000 आंसर गलत हो जाएगा, एकदम गड़बड़ है। तक पूछा जाता है ना, और ये बीच पूछा जाता है, तो पहले तक का आंसर दो। तक का आंसर गड़बड़ कैसे होता वो अब दिखाता हूं। जैसे एक फिर दो ऐसे ऐसे लगे होते हैं, 2000 के पहले हो जाएगा 1999, फिर उसके बाद 2000 शुरू हो जाता है, फिर 2001 शुरू हो जाता है, क्लियर है ना। फिर यहां पे आपको बता दूं क्या पे 8000 हो जाता, इतनी बात तो समझ गए होंगे सभी भोले बच्चे हमारे। और ये देखो ये पूरा 1 से लेके 8000 तक 8000 नंबर है, बोलो क्लियर है ना। उसके बाद में बताओ 1 से लेके हमको बाहर कितना करना है, 19999, क्लियर है ना, ये बाहर करना है हमको। 2000 से पूरा काउंट करना है, या 2001 से काउंट करना होता तब 6 अंक आता है, लेकिन 2000 से काउंट करना, तो अर्थात ये 6001 आएगा। आप चेक कर लेना 6001, ऐसी ही गलती कर देते हैं आप लोग, इसीलिए मैं ऐसे प्रश्न पर ध्यान दिला रहा हूं आपको। ठीक है, क्लियर हो गया, गलती जरूर करता है व्यक्ति। तो इस तरीके से छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। यदि यही क्वेश्चन यहां पे पूछा गया होता बीच में कि 1000 से 4000 तक नहीं, के बीच 1000 से 4000 के बीच तीन अंक की कितनी संख्याएं होंगी, कि कितनी संख्या होगी, कितनी संख्या होगी बता दो। जब ऐसा कभी क्वेश्चन पूछा जाए तब क्या करोगे, शुरुआत तो 1 से ही होगी, 1, 2, 3, 4 ऐसे करोगे, और कहां खत्म होगा बेटा, 4000 तक है ना, 4000 तक। तो 4000 देख लो भाई, 4000 तक पूछा जाएगा, तो 4000 में कितना हो जाएगा बता, 1000 से 4000 के बीच, क्लियर। तो आप एक चीज देखो, कहां शुरू हो रहा है 1000, तो यहां पे 1000 होगा, उसके पहले 999 होगा, उसके बाद 1001 होगा, ऐसे चलता रहेगा, और बीच का मतलब यहां पे हो जाएगा 3999, ये होगा 3999, ये होगा 3999। अच्छा ये बताओ, पूरा 1 से लेके 4000 तक कुल मिला के 4000 संख्या है, बोलो क्लियर है ना, 4000 संख्या है, 4000 नंबर है, क्लियर है ना, इतनी बात, 4000 नंबर। लेकिन हमको बाहर कितने करने, इतने बाहर करने 1000, क्योंकि हमको सिर्फ बीच लेना, बीच का मतलब होता है इसके बीच 4000, और देखो नंबर इतना है पूरा, इतने नंबर है पूरे 4000, 1000 से 4000 के बीच ना 1000 लिया जाए, 1001 से काउंट किया जाएगा, और 4000 भी ना लेकर के मतलब पांचों उंगली में से बीच की इतनी हो गई, ना इधर की ली जाएगी ना इधर, तो 1000 भी नहीं लिया जाए, 4000 के पहले 3999
और 1000 के बाद 1001 लिया जाएगा। क्लियर हो गया इतनी बात? तो इसमें तो सबसे पहले 1000 काउंट हटाएंगे यहां से काट करके, बात समझो, 1000 बाहर करेंगे तो सीधा सीधा आपके पास बचेगा पहले 3000, और आंसर 3000 लगा क्या हो गया मुझे पता है, लेकिन गड़बड़ है भाई, 1000 नहीं लगाना। अभी भी एक संख्या लास्ट वाली कम करनी है, ये भी 1000 कम कर देंगे तो आएगा, ये बचेगा 2999, 2999, दिस इज अ करेक्ट आंसर आएगा। तो ऐसे आंसरों में आपको गलती नहीं करनी है, मैं आशा करता हूं आप गलती नहीं करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चंस जब आएंगे तो मिस्टेक नहीं करना है आपको, ठीक है। एक लास्ट और अंतिम प्रश्न इस प्रकार का मैं देता हूं, ध्यान से देखना है आपको, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको बताना है कि यहां पे 999 से 9999 तक कुल कितनी 3 अंक की संख्या है। एक सेकंड, यहां पे 3 अंक नहीं होना चाहिए, 4 अंक होना चाहिए, एक मिनट, 4 अंक नहीं, 3 अंक के लिए तो 4 अंक यहां, 4 रखे क्योंकि 4 अंक की संख्याएं थी, ठीक है। क्या थी बेटा? 4 अंक, 1000 से 4000 के बीच 4 अंक की संख्याएं होंगी, ठीक है। तो यहां 3 अंक नहीं, 4 अंक होना चाहिए, क्लियर हो गया इस बात को? ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक है। तो 4 अंक की बात, क्योंकि 4 अंक डिजिट ही है, क्योंकि 3 अंक हो जाएगा यहां पे 3 डिजिट में, हो जाएगा 3 डिजिट में कोई नंबर ही नहीं यहां पे, ये 4 अंक है, ये भी 4 अंक है, क्लियर हो गया ना? तो 4 अंक होना चाहिए, नाउ रिपीट कर लेना एक बार, ठीक है। आगे देखो, तो यहां पे क्या हो जाए, 3 अंक की तक कुल कितनी, 3 अंक की संख्या, 3 अंक की, तो बताओ 3 अंक की कितनी संख्या है, 3 अंक की कितनी 3 अंक की है, आप बताओ। 9999 तक, 999 तक, तो शुरुआत 999 हो जाएगा और फिर 1000 हो जाएगा, फिर 1001 हो जाएगा ऐसे, और ये ऐसे चलता रहेगा 9999। आप देखो 3 अंक की संख्या ओनली कहता है सिर्फ एक, तो आंसर लगा क्या हो गया एक, और गलती से आदमी दूसरा कुछ लगाता है, ठीक है। तो इस तरह गलती नहीं करनी आपको, इस चीज को ध्यान देना है आगे, ठीक है। आशा है समझ में आ गया होगा, ठीक है। बोलो क्लियर है या नहीं बताओ, इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। तो आगे मैं कुछ बताऊं आपको, एक ऐसा तरीका बता रहा हूं, ठीक है। अगला नंबर सिस्टम से रिलेटेड ही है, ठीक है। अब आपको कुछ चीजें ऐसी बतानी है जो आपको शायद आती भी है, ठीक है। जैसे मैंने बहुत बार कराया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइएगा कि 27 डिवाइड बटा 27, देखो इस तरीके से डिवाइड करना बेटा, ठीक है। देखो स्क्वायर रूट 27, फिर डिवाइड का चिन्ह लगाया, फिर 27, कौन करेगा बच्चा इसको, बोलो। जबरदस्त रूल, बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन मैं एक लिख रहा हूं, देखो ठीक है, यहां पे 3 घात लिख रहा हूं, क्यूब रूट, ठीक है, छ सौ पच्चीस डिवाइडेड बाई 625, कौन बताएगा इसको, 625 डिवाइडेड बाई 625। मैं अगली क्लास में इसको बताऊंगा जरूर, ध्यान रखना, लेकिन आप तब तक कमेंट करके हमको बताइएगा आंसर कितना आने वाला है। बोलो क्लियर है ना? तो ये दोनों क्वेश्चनों का उत्तर हमको चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर बताइएगा इसका उत्तर कितना होगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, आपको प्रैक्टिस सीट के साथ मिलेंगे, इसी पर प्रैक्टिस सीट के साथ मिलेंगे, शुरुआत में प्रैक्टिस सीट कराएंगे, फिर कॉन्सेप्ट कराएंगे। तो अगली क्लास कल रात 10 बजे फिर मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बने रहिए इसी तरह माँ अकेडमी के साथ, थैंक यू।